सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। भारतीय नववर्ष 2078 के शुभारंभ के अवसर पर शहर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर रंगोलियां बनाकर नववर्ष का अभिनंदन किया गया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और विद्या भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य स्थानों पर भगवान ध्वज भी लगाए गए हैं। पवन पारिक, कालूराम बावरिया, कपिल पारिक, रमेश जांगीड, मोहित नरपडुकिया, कुबेर पारिक, गौतम प्रजापति, विजय कुमार, विजय लक्ष्मी, सुमन मेघवाल, संतोष चौधरी, राजकुमार, अंकिता पारित, पुष्पा प्रजापत, गणपत प्रजापत सहित अनेक लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया है। मंगलवार को खानपुर से सुजानगढ़ रेलवे लाइन पर नूर नगर के आसपास मेड़ता साइड से चूरू की ओर जा रही सवारी गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही तथा उसने सफेद पैंट और शर्ट पहन रखी थी। ट्रेन के गार्ड ने शव को सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर रखवाया। स्टेशन मास्टर की सूचना पर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम सोनका, नवरत्न बिजाणिया, बबलू टेलर, तेजपाल संडेला, शंकर लाल आदि ने पहुंचकर लाडनू पुलिस के आने के बाद शव को लाडनू अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया है। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लोहिया स्टेडियम में सोमवार को आयोजित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सभा में किसान नेताओं द्वारा काले झंडे दिखाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। किसानों की ओर से राम कुमार मेघवाल ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाकर बताया कि हम नए कृषि कानूनों के खिलाफ उपखंड कार्यालय पर लगातार 118 दिनों से धरना दे रहे हैं। इसी के तहत कृषि कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करवाने के लिए हम लोग लोहिया स्टेडियम की सभा में गए और वहां पर प्रदर्शन किया, जिस पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता दौड़कर आए और हमारे साथ मारपीट की। मुकदमे में रिछपाल बिजाणिया, रामनिवास भुगालिया, विजय पाल चाहर, कुंदन पुनिया सहित कुल 30-40 लोगों पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। जाति सूचक गालियां निकालने के आरोप भी लगाए गए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। कल क्या हम 118 दिनों से यहां धरना दे रहे थे किसान विरोधी जो काले कानून के अंदर लेके आई थी उसके खिलाफ। इसी संदर्भ में कल लोहिया स्टेडियम के अंदर केंद्रीय मंत्री आए हुए थे। हाँ, हम उनको ज्ञापन देने के लिए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम उनको ज्ञापन दे करके मांग करना चाहते थे कि जो किसानों के विरोध में काले कानून लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। और हमारा क्या है, उधर ज्ञापन लिया नहीं गया तो हमने क्या है कि किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ नारेबाजी वहाँ की थी। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिछपाल बिजाणिया, विजय पाल चार, रामनिवास बुगालिया, कुंदन पुनिया और 30-40 लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। और मुझे उनमें से कई लोगों ने जाति सूचक गालियां भी निकाली और हमारे जो साथी थे उनके साथ उन्होंने मारपीट की, जानलेवा हमला किया। इसके लिए हमने FIR दर्ज करवा दी है। हमने क्या पहले भी चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो जन समस्याओं को लेकर के भी कई बार ज्ञापन दिए हैं और प्रदर्शन भी किया है, लेकिन जो कल लोहिया स्टेडियम के अंदर लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसको सुजानगढ़ के किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा लोकतंत्र में नहीं है होता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है और बार बार लोग विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने पर किसी के साथ आज तक मारपीट नहीं की गई है। कल हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे किसान सभा के कार्यकर्ताओं के साथ में राम नारायण जी बुलाणिया थे, जगदेव जी बेड़ा थे, बनवारी जी बिजाणिया थे, हम सबके साथ में इन्होंने मारपीट की जो गलत थी। इनको मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। ये तानाशाही रवैया है, ये तानाशाही रवैया इनको छोड़ना पड़ेगा।